गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे व्लॉग्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम बद्राश से चल के चांसल पास आ गए थे। अभी इस वक्त हम चांसल पास पे खड़े हैं और हमारा प्लान है यहाँ से डोडरा कवार की तरफ जाने का। डोडरा कवार यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है एंड रास्ते आपको लास्ट वीडियो में याद ही होगी कि कितना ज़्यादा ही डिफिकल्ट था और ये पूरा टेरेन कितना ज़्यादा सुंदर था। बाइक को उठाते हैं, डोडरा कवार चलते हैं। 4 बजने वाले हैं और मौसम थोड़ा थोड़ा बेईमान हो रहा है। उधर देख के लग रहा है कि बारिश हो रही है। ये देखो भाई पूरे पीक्स, क्या मस्त जगह है यार ये। ठीक है भाई, यहाँ पे मुझे लोगों ने बताया कि अब यहाँ से रोड अच्छा है, मतलब उतना ख़राब नहीं है जितना आप करके आए हो। मैंने कहा चलो भाई, जो है अच्छा है, बुरा है, जो भी है चलेगा यार, जगह मस्त है। और यहाँ जो मेरे ड्रोन शॉट आए हैं भाई, वन ऑफ माय बेस्ट ड्रोन शॉट्स आई थिंक, आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से डोडरा कुवार, दो गांव है, डोडरा यहाँ से आधा घंटा, कुवार यहाँ से 1.5 से 2 घंटा। कुवार 41 किलोमीटर है, डोडरा शायद 20 किलोमीटर है। इन पहाड़ों के स्ट्रक्चर देखो यार एक बारी, ऐसा लग रहा है ये पहाड़ डेवलपमेंट से कितना दूर है। सोचो पहाड़ तो देख के डेवलपमेंट का लग रहा है यार। उन्होंने तो बोला रास्ता ठीक है, मजाक किया मेरे साथ। हो सकता आगे से ठीक हो। ये पहाड़ के पहाड़ जो पत्थर ऊपर रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी जायंट ने उठा के ऐसे रख दिया है। ओहो हो हो, मैं अगर उधर देखूंगा तो गिर ना जाऊंगा। गजब, साच पास की याद आ गई। हालांकि साच पास अभी बंद है। मुझे बाइक पहाड़ों पे चढ़ाने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट उतारना लगता है, पर वो भी ऐसे रास्तों में तो और ज़्यादा। ऐसा क्यों लग रहा है वो मेरा ही वेट कर रहे हैं, मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं प्यार से उतर जाऊं, फिर वो अपनी गाड़ी चढ़ाए। क्या जन्नत है यार, एकदम जन्नत। ये देखो बर्फ, अभी ये लोग मुझे मिले थे पीछे और इन्हीं से मैं बातें कर रहा था। ये कह रहे थे आधे घंटे में पहुंच जाएंगे डोडरा। अब इनको देख के मुझे लग रहा मैं 1 घंटे में पहुंचूंगा। डोडरा 18 किलोमीटर, यहाँ का रोड डेफिनेटली जो चढ़ाई वाला रोड था जब हम रोडू से आ रहे थे उससे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ज़्यादा स्लश नहीं है, कीचड़ नहीं है, रोड गीला नहीं है, वैसे पत्थर नहीं है जो टूटे हुए पत्थर हैं जेसीबी के कारण, और ज़्यादा बेटर है। मुझे लगता है अगर कोई गाड़ी से आए तो कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाइक से तो यार ठंड भी लगती है, बाइक बैलेंस का चक्कर रहता है, गिरने का चक्कर, गिर जाओ तो फिर उठाने का चक्कर। जिस हिसाब से आज का रोड है और कल भी मुझे इसी रास्ते से वापस जाना है। हालांकि ये जो पहाड़ है इसके आगे अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड आ जाता है, ये हिमाचल का बाउंड्री है, मतलब लास्ट है, पर उधर से जाने का, उधर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अगर जैसे 20 किलोमीटर मैं डोडरा अगर रुकता हूँ कुवार नहीं जाके, और 20 किलोमीटर चांसल के उस साइड रोडू की साइड ख़राब है, मतलब 40 किलोमीटर ख़राब है, और
इसका मतलब मुझे कम से कम उस 40 किलोमीटर के लिए 3 घंटे लगेंगे। फिर वहाँ से मैं रोडू पहुँचूँगा और रोडू से फिर मैं ठियोग की तरफ पब्बर वैली होते हुए जाऊँगा। डोडरा यहाँ से 10 या 11 रह गया। अब ऐसा है कि डोडरा यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर है तो कहीं यहीं कहीं नीचे होगा। लेकिन जो कवार है, कवार डोडरा कवार, वो वहाँ है, वो मेरे ख्याल से वही है भाई। और वो यहाँ से 25 किलोमीटर है। पहाड़ों में एक मस्त बात ये होती है कि हम यहाँ हैं, वो सामने यहाँ है, और ये 25 किलोमीटर का रास्ता है, देखो कैसे घूम घूम के जा रहा है। ऑल्सो ये जो पहाड़ है इसके उस साइड है उत्तराखंड, लेकिन कोई रास्ता नहीं बना हुआ है कि हम यहाँ से उत्तराखंड जा सके। ये हिमाचल का लास्ट रेंज है। तो हम यहाँ पर, अरे मुझे लगा मुझे मार रही है, इसको लगा मैं मार रही हूँ, टू मैं मार रहा हूँ, आई मीन मुझे लगा मुझे मार रहा है, उसको लगा मैं उसको मार रहा हूँ, टू मच फन हो गया। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं डोडरा पहुँच गए हैं। क्वार सामने वाला विलेज है, विच इज़ अराउंड 22 किलोमीटर्स यहाँ से। और ये काफ़ी पुराना गांव है, इसकी खासियत ये भी है, यहाँ पे जो घर है वो भी काफ़ी पुराने पुराने हैं। ये देखो लकड़ी का सब कुछ बना हुआ है, चाउमीन मोमो, मतलब चाउमीन मोमो लकड़ी का नहीं बना हुआ है, लकड़ी का। पहले मैंने सोचा था क्वार में जाके स्टे करूँगा, फिर मैं सोच रहा हूँ यार एक ही बात है, वहाँ रुको यहाँ रुको, ये यह वहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ से वहाँ देख रहे हैं। तो डोडरा में ही कोई बढ़िया सा होम स्टे ढूँढते हैं। यार गांव ऊपर नहीं रह गया, रोड साइड होम स्टे है, पता नहीं, देखते हैं। बोर्ड वगैरह तो कहीं बना हुआ नहीं है, ये भी पूरा लकड़ी का घर है, स्टोन हाउसेस एंड लकड़ियों का घर। यहाँ रहने के लिए कहीं मिलेगा? कहाँ पर? ऊपर में? ऊपर होटल तो नीचे भी है? ना नीचे ही है, ऊपर ही है। थैंक यू। क्वार यहाँ बस एक ही है? क्वार में दो तीन होटल। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं एक बार ही नीचे घूम के। हाँ जी लाया कुछ नहीं, मैं तो घूमने आया था। नहीं 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 नहीं, इसमें तो मेरा कपड़े वपड़े है क्या करें यार, ऊपर चल के देखते हैं एक बारी। ज़्यादातर क्वार में भी है शायद, ज़्यादातर क्वार में ही है शायद। अरे ये तो यही चाउमीन मोमो है, इसी के पास है रहने के लिए, होटल डोडरा। यहाँ रहने के लिए मिलेगा? हाँ किन से बात करूँ? अच्छा वो नेगी भोजनालय। अच्छा अच्छा हाँ जी ठीक है ठीक है। ठहरने के लिए कमरों की उचित व्यवस्था है। आप ऑनलाइन भी पैसे लेते हैं फोन पे? हाँ वो क्या बोलते होता ना, हाँ ठीक है ठीक है, वरना मुझे लगा आज बाहर सोना पड़ेगा पहले चले गए थे। हाँ मुझे नहीं पता था ना। हाँ कमरा कौन सा, ये वाला है? नहीं, आगे आगे। अच्छा अच्छा इधर है क्या? अच्छा अच्छा नेगी तो मैंने सुना था उत्तराखंड में होते हैं ज्यादा। उत्तराखंड में कहाँ नेगी होते? नहीं उत्तराखंड तो हिमाचल में होते हैं। किन्नौर में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कोई नहीं। कितना पैसा इसका? पैसा तो 800 800 और खाने का अलग से, कुछ कम भी हो जाएगा अकेले बंदे के लिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं डोडरा और हमने स्टे भी ले लिया, हमें दो भाई मिले। भाई क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम आलम। आलम आपका भाई? मेहताब। ये दोनों भाई हैं, आप दोनों मेरठ से? मेरठ सिंह। और इन्होंने मुझे बोला कि बाइक लेके कैसे आ गए क्योंकि ये 4-5 दिन पहले आए थे और ये रोड भी 5-6 दिन पहले ही खुली है। और 4-5 दिन पहले रोड का क्या हाल था एक बारी वो देखो। ये देखो भाई ये बर्फ ये रास्ते पे है ना? मेन रोड पे ही रास्ता है, तो रोड तो दिखाई दे रहा है, गाड़ी भी खड़ी है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है,
अभी तो तभी मैं आ गया, ये देखो भाई। तो यार यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल रही है। एक तो मस्त चीज़ ये पता चली है कि ये जो गांव है ये हिमाचल में है, ये जो आप गांव देख रहे हो, जो घर देख रहे हो, ये उत्तराखंड में है। इधर वाला पहाड़ हिमाचल का है, इधर वाला पहाड़ उत्तराखंड का है। ये जो ऊपर वाली चोटियाँ हैं ये उत्तराखंड की है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो उधर जो एकदम वाइट माउंटेन्स है वो किन्नौर है। अंकल मुझे बता रहे थे कि यहाँ से अगर आप पैदल जाओगे तो 2.5 घंटे में आपको वहाँ रोड मिल जाएगा। और इधर कितना टाइम लगेगा जाने में? इधर 2 दिन लगेगा। 2 दिन? 2 दिन से आप पहुंच जाओगे सीधा सीधा चितकुल या बटसेरी के साइड? किन्नौर, किन्नौर बोल रहे हैं, किन्नौर, किन्नौर के साइड। और यहाँ से आप रोड भी बना रहे हैं ना, आर्मी से शुरू कर रहे हैं, आर्मी वगैरह शुरू कर रहा है, और यहाँ भी रोड बनने वाला? रोड तो शुरू कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बहुत जल्दी बंदे सीधा उधर उत्तराखंड से ही चितकुल के साइड जा पाएंगे। और ये भैया अंकल बता रहे थे कि जो भी रोड बनेगा वो टनल के थ्रू बनेगा। अभी पता नहीं कब तक रोड बनता है, लेकिन यहाँ पे आप यहीं से ना आंटी? आपको एक एक चीज मुझे पता चला कि यहाँ जो है 2009 में रोड खुला, वो ऊपर 7 में। उससे पहले कैसे फिर पैदल वैदल? पैदल चलते। उस टाइम तो बहुत फिर बहुत ज्यादा घर वर भी नहीं होता होगा क्या? नहीं, घर तो इसी तरह है, ज्यादा बन भी रहे घर तो बहुत, पॉपुलेशन तो पहले से ज्यादा है। और अभी भी तो बढ़ते रहेगा ना पॉपुलेशन पहले से। ठंड में जैसे उधर बंद हो जाता है तो क्या करते हैं? चांसल नहीं, चांसल से बंद होगा तो उधर से उत्तराखंड ज्यादा। आप मुझे लगता है इधर से ही आपका, सर्दी में, सर्दी में इधर से दिसंबर के बाद, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से उधर से सारा सामान वगैरह आ जाता है। तो यार काफी यूनिक विलेज है ये, मतलब है हिमाचल का लेकिन ठंड में कम्प्लीटली डिपेंडेंट है उत्तराखंड से, क्योंकि वहाँ पे जो नीचे अंकल भी बता रहे थे वहाँ पे एक जगह जहाँ से गाड़ियाँ आती है तो वहाँ तक सारा डेली नीड्स का सामान आता होगा और उसके बाद यहाँ का काम चलता होगा। तो ये है भाई आज का हमारा स्टे इन द रिमोटेस्ट विलेज ऑफ हिमाचल। अभी यार मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, क्यों कर रहा है उसका भी कारण मुझे पता है, 3 कारणों से है। एक तो सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हुआ, दूसरा हम हाई माउंटेन पास थोड़ा 11,000-12,000 फीट के आसपास क्रॉस करके आए, ठंड थी बहुत ज़्यादा, और तीसरा मैंने लंच आज स्किप कर दिया था, लंच का मौका ही नहीं मिला। अभी मैंने सेरिटॉन खाया, आई होप कि थोड़ी देर में ठीक हो जाए, तो मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे खाना खाते हुए। तो यहाँ पर मैं अपने आज के होम स्टे में जो किचन है वहाँ पर बैठा हूँ, मेरा जो सर दर्द हो रहा था वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पर देखो किचन में काम चल रहा है, ये मिट्टी का पूरा चूल्हा बनाया है इन्होंने और इस तरीके से आग लगा के यहाँ पे खाना पकाते हैं। और यहाँ पे रोटी बन रहा है, बाकी चिकन बना है, हम बस वेट कर रहे हैं कि खाना बन जाए, उसके बाद हम जल्दी से खाना खाएं। तो हमारा यहाँ पे खाना आ गया है, चावल, रोटी और चिकन। तो यार ये अगली सुबह है, कल रात को खाना वगैरह खा के मैं सो गया था बढ़िया, और नींद भी बहुत बढ़िया आई। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, क्योंकि जब मैं चितकुल में था, रक्षम में जब था, तो -8 था, यहाँ 5-6 डिग्री के आसपास है। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो गांव है इसको आप देख के आओ। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर हमें पहली बार देखा है तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ से वापस शिमला की तरफ की वीडियो के साथ, तब तक के लिए।